बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रेप टू। आज हम लोग उर्दू का काम करेंगे। तो उर्दू के काम में आज हम एक नए हरूफ से मिलेंगे। तो वो हमारा एक नया हरूफ क्या है, वो है चा। ये क्या है? चा। चा की पहचान क्या होती है? चा के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। चा की पहचान क्या होती है? चा के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। ये भी जा की फैमिली में ही है। तो इसकी पहचान क्या बताई मैंने आपको? चा के नीचे तीन नुक्ते। तो आइए अब हम आपको चा के दोस्तों से मिलवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे तस्वीर है। ये क्या है? आप लोग जानते हैं ना इसे, कि क्या है? चूहा। चूहा, चा चूहा, चा चूहा, चा चूहा। और एक और तस्वीर है, ये क्या है? इसे भी आप लोग पहचानते होंगे। ये किस चीज की तस्वीर है? चांद की। चा चांद, चा चांद, चा चांद। और ये क्या है? ये है चिड़िया। चा चिड़िया, चा चिड़िया, चा चिड़िया। ये और ये क्या तस्वीर है हमारे पास? ये है चाबी। चा चाबी, चा चाबी, चा चाबी। तो हमने आज कौन सा हरूफ पढ़ा? हमने पढ़ा चा। चा चूहा, चा चांद, चा चिड़िया, चा चाबी। तो अब हम इसके बाद अपना बुक कवर करेंगे। अब हम अपना उर्दू की किताब का काम करेंगे। तो बच्चों, अपनी किताब निकालिए उर्दू की, और सफ़ा नंबर 20, सफ़ा नंबर 20 करेंगे हम। सफ़ा नंबर 20 पे सबसे पहले हम यहाँ तारीख लिखेंगे और यहाँ सी डॉट डब्ल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इस सफ़े पे क्या काम है, तो वो हमारे आइकन से पता चलेगा। आइकन्स कितने हैं? एक, दो। दो आइकन्स हैं। पेंसिल फेरिए, लिखिए। पेंसिल फेरिए और लिखिए। अभी मैंने आपको फ्लैश कार्ड पे एक नया हरूफ पढ़ाया था, वो क्या था? च। कौन सा हरूफ था वो? च। चा की पहचान क्या थी? चा के नीचे तीन नुक्ते। तो आइए चा से देखते हैं कौन कौन सी चीजें शुरू होती हैं। ये क्या है? जी, ये है चांद। चा चांद, चा चांद, चा चांद। और ये क्या है? चिड़िया। चा चिड़िया, चा चिड़िया, चा चिड़िया। और ये क्या है? ये है चूहा। चा चूहा, चा चूहा, चा चूहा। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना पहला आइकन करेंगे अपना, वो कौन सा है? पेंसिल फेरिए। हमने पेंसिल फेरनी है। पेंसिल किस पे फेरनी है? चा पे। तो देखिए, पेंसिल किस तरह फेरनी है? हमने इस नुक्ते पर अपनी पेंसिल रखी और ये जितनी भी लाइनें बनी हुई हैं और नुक्ते हैं, तीर की मदद से हम देखते जाएंगे कि किस तरह से पेंसिल फेरनी है। हमने सारे नुक्ते हमने छुपाने हैं। पेंसिल हमारी ना नुक्तों से ऊपर जाए और ना नीचे। और चा के नीचे क्या होता है? चा के नीचे तीन नुक्ते। चा के नीचे तीन नुक्ते। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पेंसिल फेरी और अब हम यहाँ पे भी पेंसिल फेरेंगे। ये क्या ग्रुप है हमारा? चा। सब पढ़ते भी जाएंगे साथ साथ और लिखते भी जाएंगे, ठीक है? हमने इस नुक्ते पे पेंसिल रखी और ये सारे नुक्ते हमने छुपा दिए। बिल्कुल नुक्तों से ऊपर या नीचे पेंसिल का निशान बिल्कुल भी ना जाए। और ये चा के नीचे तीन नुक्ते, ये हमारा क्या बना? चा। हमने इस तरह से ये दोनों लाइनों पे पेंसिल फेरनी है। उसके बाद हमारा दूसरा आइकन क्या है? लिखिए। हमने चा लिखना है। जो हमारी ये तीसरी लाइन है, इस पे हमने चा खुद से लिखना है। तो देखें किस तरह लिखेंगे। ये हमने नुक्ते पे पेंसिल रखी अपनी, हमारा तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने ये इस तरह से ऊपर की तरफ उठाया और ये ऐसे करके लाइन से मिलाते हुए हमने चा बनाया। और चा के नीचे क्या होता है? तीन नुक्ते होते हैं, ठीक है? इस तरह से हमने चा बनाया। आप इस तरीके से आप लोगों ने भी पूरी लाइन पे इस तरह चा लिखना है, तो हमारा सफ़ा नंबर 20 मुकम्मल हो जाएगा। उसके साथ ही अब हम अपना सफ़ा नंबर 21 भी करेंगे। सफ़ा नंबर 21 पे भी आप लोग सबसे पहले यहाँ तारीख लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा सी डॉट डब्ल्यू, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे हमारे आइकन्स। हमारे आइकन्स कितने हैं? एक, दो, तीन। मिलाइए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए, चा की चीज़ों से मिलाइए। तो हमने यहाँ पे अभी चा पढ़ा सफ़ा नंबर 20 पर, अब हम यहाँ पे चा को उसकी शुरू होने वाली चीज़ों से मिलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सी तस्वीर है? ये क्या बना हुआ है? ये है चप्पल। चा चप्पल, चा चप्पल, चा चप्पल। तो चा की हम चप्पल से मिला देंगे।
चप्पल की शुरू की आवाज चा है। चप्पल की शुरू की आवाज क्या है? च। तो हमने चप्पल को चा से मिला दिया। उसके बाद दूसरी तस्वीर क्या है हमारी? ये क्या है? बत्तख। तो बत्तख की शुरू की आवाज तो ब है ना, चा तो नहीं है, तो हम बत्तख को चा से नहीं मिलाएंगे। अब हमारी तीसरी तस्वीर है, देखें कौन ये क्या बना हुआ है। ये है चाबी। चा चाबी, चा चाबी, चा चाबी। चाबी की शुरू की आवाज तो चा है ना, तो हम इसलिए चाबी को चा से मिलाएंगे। ठीक है, अब हमारी ये चौथी तस्वीर है, तो ये कौन सी बनी हुई है? ये है चिड़िया। ये क्या है? चिड़िया। चा चिड़िया, चा चिड़िया, चा चिड़िया। तो चिड़िया की भी शुरू की आवाज चा है, तो हमने चिड़िया को भी चा से मिला दिया। इस तरह से हमारा पहला आइकन मुकम्मल हो गया। अब हमारा दूसरा आइकन क्या है? पेंसिल फेरिए। हमने पेंसिल फेरनी है किस पे? चा पे पेंसिल फेरनी है। तो हमने देखे पेंसिल फेरते किस तरह से है, नुक्ते पे हमने पेंसिल रखी और ये सारे नुक्ते और लाइन को मिलाते हुए हमने चा पे पेंसिल फेरनी है। देखें इस तरीके से हमने क्या बनाया, चा। चा के नीचे तीन नुक्ते, चा के नीचे कितने नुक्ते? तीन। तो हमारा दूसरा आयतन भी मुकम्मल हो गया। अब हमारा तीसरा आयतन क्या है? रंग भरिए। हमने रंग भरना है, रंग किस पे भरना है हमने? अब हमने रंग किस पे भरना है? चा से शुरू होने वाली चीजों पे। हमने जिन तस्वीरों को चा से मिलाया है उन्हीं पे हम रंग भी भरेंगे। चप्पल पे रंग भरना है, बत्तख पे रंग नहीं भरना, चाबी पे रंग भरना है और चिड़िया पे। तो देखें अब मैं आपको रंग भरना दिखा बताऊंगी किस तरह का रंग भरते हैं हम। सबसे पहले इनकी कॉर्नर्स बनाते हैं हम, तस्वीर के कॉर्नर बनेंगे। इस तरीके से कॉर्नर बनाया हमने ताकि रंग बाहर ना निकले हमारी तस्वीर से। उसके बाद हम अप एंड डाउन रंग भरेंगे। इस तरह से हम ऊपर से नीचे फिर रंग भरेंगे, बिल्कुल वाइट स्पेस नज़र ना आए और हमारा रंग बहुत डार्क सा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरी तस्वीर में रंग भरेंगे। बत्तख में रंग नहीं भरेंगे, चाबी में रंग भरेंगे और चिड़िया में। तो हमारा सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल हो जाएगा। आज का हमारा काम सफ़ा नंबर 20 और सफ़ा नंबर 21 था। तो बच्चों बहुत सफाई से काम कीजिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।